हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लीजोरब एल कैप्सूल के बारे में। अगर आपके आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, खाना हजम नहीं होता है, पेट फूला फूला रहता है, धुंधली डकार आती है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और इसके इफेक्ट बेनिफिट्स सब कुछ जानेंगे, क्या है यूज़, क्या है डोज, इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लीजोरब एल कैप्सूल जो कि है, इसे बनाने वाली कंपनी की बात करें तो इसे बनाने वाली कंपनी का जो नाम है वो है सुपरलेटिव हेल्थ केयर फार्मा द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। बात करें इसके कंटेंट की तो इसका कंटेंट जो है वो है रेबीप्राजोल सोडियम एंड लिबोसल्फ्राइड। रेबीप्राजोल है वो 20 mg है और जो लिपोसल्फ्राइड जो है वो है 75 mg। ये 10 कैप्सूल आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह के पैक में रहता है। आप इसे इजीली मार्केट में ले सकते हैं, जिसका मार्केट प्राइस है 179 रुपये। आप इसे इजीली मार्केट में ले सकते हैं, लगभग 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। बात करें इसके बेनिफिट की तो इसका बेनिफिट जो है वो गैस्ट्रो में इसका एसिडिटी में उपयोग किया जाता है, जैसे कि एसिडिटी ज़्यादा हो जाना, HCL की मात्रा बढ़ जाना और एसिड का अधिक उत्पाद होना पेट में, खाना ना हजम होना, धुंधी डकार आना, पेट फूल जाना, कब्ज बन जाना, ऐसा कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो इसका सेवन किया जाता है। और इसके डोज की हम बात करें तो इसका डोज जो है वो एक कैप्सूल आपको लेना है एक टाइम में। आप इसे 24 घंटे में 2 कैप्सूल ले सकते हैं इजली, लेकिन इसका इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर से ले लें। इसे खाना खाने से पहले इसका सेवन करें और आपको आपके पेट में जो भी एसिड की मात्रा होगी वो सब खत्म हो जाएगा, आपका खाना हजम होने लगेगा। जब आप खाना खा लेते हो कुछ उल्टा सीधा या फिर ज़्यादा खा लेते हो तब दिक्कत होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हाई लेवल का गैस के लिए है, यानी ये ज़्यादा आधे के डोज वाला है। अगर आपको हल्का बनना है तो आप रेबीप्राजोल डोमपेरिडोन में भी ले सकते हैं कोई भी कैप्सूल। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, कॉमन साइड इफेक्ट की, तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो है जिम चलाना, पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज और चक्कर आना, कमजोरी, ऐसा कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो इसका सेवन करना तुरंत ही बंद कर दें। बात करें इसके सावधानी के बारे में तो इसकी सावधानी जो है वो, अगर आप जो महिला प्रेग्नेंट है फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर से ले लें, और आप इसे खाने के बाद ड्राइविंग ना करें, मतलब ये कैप्सूल जो है उसे खाने के बाद आप ड्राइविंग ना करें। जैसे कि मैंने बताया चक्कर आ सकते हैं, अगर आप इसका सेवन किए हैं आपको चक्कर आ गया ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लीवर या किडनी संबंधित दिक्कत हो तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। इसे खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, या अल्कोहल का इस्तेमाल किए हैं तो इसका सेवन ना करें, डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही करें, सलाह ले लें तभी सेवन करें। और इसे बच्चों की बहुत से बिल्कुल भी दूर रखें, बच्चों के पास आप रखते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, बच्चे ले लेंगे खा सकते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।